हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम ऑर्डिनो के साथ में बजर को इंटरफेस करेंगे और टोन फंक्शन का यूज़ करके हम बजर से साउंड जनरेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्डिनो ले लूँगा और इसके बाद मैं बजर लूँगा और बजर के पॉजिटिव वायर को ऑर्डिनो की पिन नंबर 2 से कनेक्ट कर दूँगा और इसके बाद मैं बजर के निगेटिव वायर को ऑर्डिनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर दूँगा। हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब बारी आती है प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग के लिए मैं Arduino IDE सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा और न्यू फाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा वॉइड सेटअप के अंदर और इसके अंदर मैं लिखूँगा पिन मोड 2 आउटपुट। अब इसके बाद मैं जाऊँगा वॉइड लूप के अंदर और वॉइड लूप के अंदर मैं टोन फंक्शन लिखूँगा और टोन फंक्शन में मैं सबसे पहले लिखूँगा पिन नंबर, जो कि यहाँ पर है 2, और इसके बाद मैं लिखूँगा फ्रिक्वेंसी 2000। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके Arduino में अपलोड कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम Arduino में अपलोड हो चुका है और अभी इस समय बजर में से जो साउंड आ रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी है 2000 हर्ट्ज। फ्रेंड्स, ये हो गया सिंपल प्रोग्राम। अब हम बजर से जनरेट होने वाले साउंड की फ्रिक्वेंसी को चेंज करेंगे। इसके लिए वॉइड लूप के अंदर मैं एक इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल लूँगा जिसका नाम रहेगा आई, और इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर आई इक्वल्स टू 2000, आई लेस देन और इक्वल्स टू 3000, आई प्लस प्लस। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आई वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किए हैं 2000 से और हम आई की वैल्यू को 1 से बढ़ाते जाएंगे जब तक कि इसकी वैल्यू 3000 नहीं हो जाती। और इसके अंदर मैं टोन फंक्शन लिखूँगा और टोन फंक्शन में मैं लिखूँगा 2 और इसके बाद मैं लिखूंगा आई। यहाँ पर मैं टोन फंक्शन के बाद में डिले लगाऊंगा 10 मिलीसेकंड का। तो इस तरह से पिन नंबर 2 से जो बजर कनेक्ट है वो 10 मिलीसेकंड के लिए 2000 से लेकर 3000 तक की फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को Arduino में अपलोड कर लूँगा। तो आप अभी जैसा कि सुन सकते हैं, बजर से जो साउंड आ रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू चेंज हो रही है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2000 से लेकर 3000 तक चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि Arduino के साथ में किस तरह से बजर को इंटरफेस किया जाता है और बजर से किस तरह से साउंड जनरेट किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप Arduino के बेसिक सीखना चाहते हैं और Arduino की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।